जी आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ चिकन दो प्याज़ा, जो मैंने रोटी चपाती रोटी के साथ सर्व किया था, जिसका टेक्स्ट जो बहुत ही अच्छा होता है। आप डिनर में बना सकते हैं। ये सभी इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं। इंग्रेडिएंट्स का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दे दूँगी। सो ये मैंने यहाँ पर कुकर लिया हुआ है, क्योंकि कढ़ाई हमारी थोड़ी छोटी पड़ रही थी तो मैंने कुकर लिया हुआ था। ये मैंने टमाटर और प्याज पीसा हुआ रखा है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये हमारी पीली मिर्चें हैं। ये हमारा दही है। दो पैकेट ये सिरके वाली प्याज है, जो चिकन दो प्याज़ा में यूज़ होगी, तो मैंने ये मंगाई हुई थी। हमारी भुनी हुई प्याज है, जो ये मैंने रेडीमेड बाज़ार से मंगाई थी। अच्छी प्याज है एंड टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसमें। आप कोरमे वगैरह में हर चीज़ में इस प्याज को यूज़ कर सकते हैं। और जी ये हमने अपने कुकर में ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने जा रही थी। आप घी या ऑयल जो भी यूज़ करते हैं, आपको आप ऑयल या घी जो भी यूज़ करते हैं आप उसमें बना सकते हैं। सो सबसे पहले आप ऑयल गरम कीजिए। ऑयल में आप लहसुन अदरक का पेस्ट डालिए। हाँ जी, पर उससे पहले हमारे रेसिपी देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जी मैं यहाँ ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ पहले ऑयल गरम होने पर। ऑयल गरम होने के बाद इसमें दही हम ऐड करेंगे। हमारा दही ऐड करने के बाद, दही के मैंने दोनों पैकेट्स लिए हैं। हाँ जी, आप क्योंकि 1 kg चिकन में 2 पैकेट इनफ है मोर देन, सो मैंने 2 पैकेट मंगाए थे। हाँ जी, आप दोनों पैकेट ऐड कर दीजिए। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड करना था मसालों में नमक। दही ऐड कीजिए। दही ऐड करने के बाद हमारा चिकन ऐड कीजिए। सारे जो इसमें मसाले ना आपको एक साथ ही ऐड करने हैं। हाँ जी, तो मसालों के अंदर जी हमारा पिसा हुआ धनिया और हल्दी भी आप ऐड कर लीजिएगा। ये दही ऐड किया हुआ है। देखिए, एंड सर्दियों में डिशेस बहुत अच्छी रहती हैं। हमारे कोरमा, स्टू, चिकन दो प्याज़ा, और टेस्ट में भी अच्छी होती हैं। ये मैंने पीली मिर्चें ली हुई हैं। आप 4 या 5 छोटे चम्मच पीली मिर्च ऐड कर सकते हैं 1 kg में। और नमक जो भी आप जितना यूज़ करते हैं वो यूज़ कीजिए। ग्रेवी के लिए हम टमाटर और प्याज की पिसी हुई ग्रेवी मैंने बना के पहले से ही रखी हुई थी। 2 टमाटर 2 प्याज लिए हुए थे, तो उनको मैंने मिक्सर में उसकी ग्रेवी बनाई थी। आप ऐड कर दीजिए दही में। देखिए जी, सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। आप फ्लेम को थोड़ा मीडियम पर ही रखिए अपनी। हाँ जी, मीडियम फ्लेम पर रखिए। हाँ जी, देखिए मीडियम फ्लेम पर रखने के बाद अब मसाले को अच्छी तरह पकने देंगे हम, और उसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड कर दीजिए। जब वो थोड़ा गल जाए, आपको लगे कि टेक्सचर थोड़ा चिकन का गल गया है, तो आप वो मसाले से बाहर निकाल लीजिएगा। हाँ जी, क्योंकि इसके जो ग्रेवी है ना, उसे बनने में थोड़ा टाइम लगता है, मसाला भुनने में। तो आप प्लीज़ वो जो चिकन है उसको बाहर निकाल के रख लीजिएगा। ये मैंने चिकन ऐड किया हुआ है। चिकन ऐड करने के बाद हम अच्छे से चिकन को मसाले के साथ पकने रख देंगे। जब हमारा चिकन थोड़ा गल जाए तो हम चिकन को बाहर निकाल लेंगे और सिर्फ मसाले को हम भुनने देंगे। तो जी यहाँ पे देखिए, अभी हमारा मसाले में चिकन ऐड हो गया। अभी अच्छे से पकने के लिए मैंने रख दिया है। हमारे चैनल की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए जी, और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
और ये रेसिपीज़ जो हैं बिगिनर्स के लिए बहुत ईजी हैं फॉलो करने के लिए। सो आप प्लीज़ शेयर भी कर सकते हैं हमारी रेसिपीज़। ये देखिए मसाले का कलर कितना अच्छा आ रहा है। ये मैंने चिकन निकाल लिया है, थोड़ा टेंडर हो गया था ये जी। अब ये मसाला भून गया है, मैंने दोबारा से ये डाला है चिकन निकाल कर, मसाले में ऐड कर दिया है मैंने चिकन। हाँ जी देखिए मसाले का कलर कितना अच्छा आया है हमारा भुनने के बाद। फिर चिकन ऐड कर देंगे हम इसमें अच्छे से। चिकन ऐड करने के बाद आपको इसमें ऐड करना होगा हमारा सिरके वाला प्याज और भुनी हुई प्याज। हाँ जी जो भुनी हुई प्याज मैंने आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में वो, और आपको सिरके वाली प्याज ऐड करनी है। सिरके वाली प्याज मैंने 1 डिब्बा मंगाया हुआ था तो मुझे जितनी यूज़ करनी थी मैंने वो ली है, और हमारी फ्राइड ऑनियन जो मैंने मंगाई हुई थी वो ऐड की है इसमें। ये देखिए अब हम इसको और थोड़े देर के लिए पकने के लिए रख देंगे कि अच्छे से ये इसमें मिक्सअप हो जाए। देखिए हाँ जी देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। तो ये हम घर पे ही चिकन जो प्याज़ा रेस्टोरेंट स्टाइल बना सकते हैं, टेस्ट में भी बहुत अच्छा बनेगा। तो आप नान रोटी या खमीरी रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकें। देखिए हमारा रेडी हो गया है चिकन दो प्याज़ा, और कलर भी कितना अच्छा है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं आपने बनाया तो कैसा बना। मैंने चपाती रोटी के साथ सर्व किया था, आप खमीरी रोटी नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए मेरी सिरके वाली प्याज है जो मैंने ऐड की थी इसमें। और जी रेसिपी देखने के बाद हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में किसी एक नई रेसिपी के साथ जो आप इजीली घर पे बना सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।